अक्षरा सिंह की मुसीबतें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। भले ही अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज तो करा दी है, लेकिन ये मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होंगी। उल्टा अक्षरा सिंह की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं और ये बद से बदतर भी हो सकती हैं। अक्षरा सिंह ने पवन सिंह से त्रस्त होकर उन पर FIR दर्ज करवाया है कि सोशल मीडिया साइट पर उनकी इमेज को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन जो धाराएं अक्षरा ने लगाई हैं उन पर, उससे पवन सिंह को 3 साल की जेल या फिर कुछ जुर्माना लग सकता है। आपको ये बता दें कि ये विवाद असल में शुरू कहाँ से हुआ। शुरुआत इस विवाद की दरभंगा वाले स्टेज शो से हुई। जी हाँ, दरभंगा में स्टेज शो करने गई थी अक्षरा सिंह और वहीं उनके मुंह से निकल गया कि इंडस्ट्री के आधे मर्द उन्हें इंडस्ट्री से आउट करना चाहते हैं, और ये बात पवन सिंह के खेमे को बड़ी बुरी लगी और तब से पवन सिंह और उनका खेमा अक्षरा सिंह को तंग करने लगा। फिर अक्षरा सिंह ने हाल ही में दिए गए एक मीडिया इंटरव्यू में पवन सिंह की सारी पोल खोल दी, लेकिन अब बताया जा रहा है यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन पवन सिंह अब इस मुद्दे को लेकर कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गए हैं। इंडस्ट्री के सूत्रों की माने तो लोगों का कहना ये है, अक्षरा ने मीडिया में ये सब बातें बोली, ये सब तक तो ठीक था, लेकिन उन्हें FIR नहीं करनी थी। और अब पवन सिंह अपने कुछ ऐसे कानूनी सलाहकार से मिलने वाले हैं जो कि अक्षरा सिंह पर उलट FIR दर्ज करवा सके। जी हाँ, पवन सिंह अब तक चुप रहे, अक्षरा सिंह के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं बोला, जो बोला उनकी फैन फॉलोइंग और उनके चमचों ने बोला, लेकिन पवन सिंह शांत रहे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि पानी पवन सिंह के सिर से ऊपर भर चुका है और अब पवन सिंह बहुत ही बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, या ये हो सकता है कि पवन सिंह लाइव आए और कुछ कहें और फिर ये विवाद और गर्माए। लेकिन ये तो तय है कि इस विवाद का अंत बड़ा ही बुरा होने वाला है, जो कि पवन और अक्षरा के फैन फॉलोइंग के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।